कानपुर के थाना मूलगंज क्षेत्र के परेड इलाके में बनी मार्केट आयल बिल्डिंग में अचानक आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया, जहां घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम के साथ दमकल विभाग की करीब एक दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। जहां दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम पर लग गई। लगभग 50 से अधिक लोगों को पुलिस ने दमकल कर्मियों और इलाकाई लोगों की मदद से सकुशल बाहर निकाल लिया। वहीं आग लगने का कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। घटना के शिकार हुए कुछ व्यापारियों ने इस घटना को दबिश जुबान में साजिश बताया है। वहीं प्रशासन के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण बताई जा रही है। वहीं मार्केट ऑयल बिल्डिंग में दर्जनों बड़े व्यापारियों के गोदाम भी स्थित है। सूत्रों के मुताबिक आग से बड़ी संख्या में व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान आग में जलकर राख हो गया। फिलहाल आग से किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। थाना मूलगंज में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी और तुरंत ही फायर ब्रिगेड वगैरह को सूचना दी गई। वहाँ से फायर टेंडर, दो बड़े फायर टेंडर, पर्याप्त संख्या में फायर कर्मी और लोकल थाना पुलिस, ये सभी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और अभी तक की स्थिति ये है कि आग की जो स्थिति थी उसे पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है। कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा हुआ नहीं है। जो लोग भी अंदर थे उन सभी को सकुशल बाहर निकाल दिया गया है। अगल बगल के घरों में या जो भी अगल बगल बिल्डिंग है वहाँ भी कहीं भी आग नहीं फैली है, पूरी तरह से नियंत्रित है। और बाकी जो लोग हैं उनको भी समझाया जा रहा है कि अंदर जाने का प्रयास ना करें। तो जो भी स्थिति थी उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है। सर, किस तरह की बिल्डिंग है अंदर, कौन-कौन है? देखिए, पूरी एक कमर्शियल बिल्डिंग है। यहाँ पे लोगों के अलग अलग अपनी वर्कशॉप, गोदाम। हमारा दानिश इकबाल भाई, आग लगने की अभी तो फिलहाल कोई पता नहीं किस तरह से लगी है। फिलहाल ये कमर्शियल बिल्डिंग है और ये अंग्रेजों के टाइम की है। इसका नाम जो है आपको भी मालूम ही हुआ कि ये मर्केंटाइल बिल्डिंग है और इसमें सिर्फ कारखाने या गोडाउन्स हैं, कंपनियों के हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बैग के हैं और आपके जो है LED TV वगैरह तमाम एसेसरीज के कारखाने या गोदाम हैं। तो उसी में कोई वजह से थर्ड फ्लोर पे लगी आग। और अभी फ़िलहाल जो हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि थोड़ी समस्या कम हुई है, थोड़ा आग पर काबू पाया गया है। और कुछ वीडियो अभी आपको हमने भेजी हैं, उसमें जो है दिखाई दे रहा है करीब ये 9:30 बजे के टाइम ये धीमे धीमे आग धक्की है। उसके बाद से जो है फिर ये इसने आग का विकराल रूप लिया है। फिलहाल उस पर कंट्रोल है और हमारी जो क्या कहते हैं यहाँ फायर ब्रिगेड है सिस्टम, उसने बहुत अच्छा काम किया है। हम पब्लिक से ये चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल में रहे ताकि फायर ब्रिगेड अपना काम करती रहे और उसको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, गेट पे भीड़ ना लगाए। और